दोस्तों फाइनली वही हुआ जिस बात का अंदाजा मुझे पहले से था, यानी कि भैया बॉलीवुड के मस्कुलर हल्क ने महज 3 दिनों में ही घुटने टेक दिए वन मानुष के सामने। तो दोस्तों क्या है ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी भैया बॉलीवुड के मस्कुलर हल्क यानी कि जॉन अब्राहम के फिल्म मुंबई सागा से और उसके साथ इसी हफ्ते रिलीज हुई फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग से। तो दोस्तों गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का जो रिपोर्ट 3 दिनों में हम लोगों के सामने आया है, उसे देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई भले ही मुंबई सागा लोगों के दिलों में घर बनाने में नाकामयाब रही हो, लेकिन भाई बदमानुस और गॉडजिला की टीम ने तो लोगों का दिल भी जीता है और लोग उस पर पैसे भी उड़ा रहे हैं। यानी कि भैया इस फिल्म ने 3 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपको तो पता ही है कि यह फिल्म बुधवार को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी और पहले दिन इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वो था 6.40 करोड़ का, यानी कि 6,40,00,000 रुपए का बिजनेस इस फिल्म ने पहले दिन किया था। उसके बाद थर्सडे को इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वो था 5.40 करोड़ का, यानी कि 5,40,00,000 रुपए का बिजनेस इस फिल्म ने दूसरे दिन किया। और तीसरे दिन यानी कि कल इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है वो है 4.22 करोड़ का, यानी कि 4,22,00,000 रुपए का बिजनेस करते हुए यह फिल्म 3 दिनों में ही 16,02,00,000 रुपए का बिजनेस कर चुकी है ऑलरेडी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर। और भाई वहीं पर अगर हम बात करें, मुंबई सागा को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 8 दिन हो चुके हैं और भाई इस फिल्म ने 7 दिनों में जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है इंडियन बॉक्स ऑफिस पर, तो भाई वो है 13,43,00,000 रुपए का, यानी कि 13.43 करोड़ का बिजनेस इस फिल्म ने किया है 7 दिनों में। अभी 8वें दिन का रिकॉर्ड हम लोगों के सामने नहीं आया है। और भैया इसको देखने के बाद अब आप क्या कहोगे, भैया वन मानुष के सामने तो घुटने टेक दिए बॉलीवुड के मस्कुलर हल्क ने। दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें तो बताएगा कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई में बॉलीवुड के मस्कुलर हल्क ने भाई मस्कुलर वन मारुस के सामने घुटने टेक दिए। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।